सियाराम के जयकारों से गूंजता रामलीला मैदान भक्ति और उल्लास से भरपूर दिखा। फूलों और गुब्बारों से सजे इस मैदान में भगवान श्री राम के जन्म की लीला ने श्रद्धालुओं को अभिभूत कर दिया। जैसे ही श्री राम का जन्म हुआ, पूरे अवध में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ और रानी कौशल्या ने प्रसाद के रूप में मेवा मिठाई चॉकलेट टॉफी और खिलौने बांटे, जिसे पाकर उपस्थित भक्तगणों के चेहरे खिल उठे। सियाराम के जयकारों संग हर तरफ भक्ति के सतरंगी रंग बिखरे थे। फूलों और गुब्बारों से सजा रामलीला मैदान में खूब उपहार बांटे गए। कौशल्या नंदन श्री राम के जन्म लेते ही हर तरफ बधाइयां बजने लगी। पूरी अवध नगरी नाचने झूमने लगी। राजा दशरथ स्वरूप संतोष शर्मा व रानी कौशल्या ललिता शर्मा ने मेवा मिठाई चॉकलेट टॉफियों संग खेल खिलौने लुटाए, तो हर श्रद्धालु प्रसाद रूप में श्री राम के उपहार पाने को ललायत नजर आया। कुछ ऐसा ही परमानंद वाला दृश्य था रामलीला मैदान में, जहां श्री राम संग चारों भाइयों ने जन्म लिया। लीला का शुभारंभ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विधायक पुरुषोत्तम खंडेरवाल व संतोष शर्मा ललिता शर्मा ने स्वरूपों की आरती कर किया। कौशल्या जायो लल्ला, वध में मचो है हल्ला, राम जन्म भयो है आज, लडुआ बाटो रे, अवध में जन्मे रघुराई, कौशल्या दे दो बधाई, जैसी बधाइयों से रामलीला मैदान गूंज रहा था। लीला में कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा पुत्र कामना के लिए राजा दशरथ व रानी कौशल्या ने यज्ञ किया। भगवान राम के साथ तीनों भाइयों के जन्म लेते ही दशरथ व रानी कौशल्या की खुशी से समूची अयोध्या आनंदित हो उठी। रीति रिवाज के साथ चारों भाइयों को पालने में झुलाया गया। राजा दशरथ व रानी कौशल्या के स्वरूप संतोष शर्मा व ललिता शर्मा के पुत्र प्रखर शर्मा पुत्री शर्मा के निर्देशन में राजा दशरथ के परिवार द्वारा भक्ति में भजनों की प्रस्तुति दी गई। भगवान राम के बाल रूप बनने का सौभाग्य अद्विक गुप्ता, लक्ष्मण, अभिराज, पारशर, भरत, रुद्राक्ष शर्मा, शत्रुघ्न शिवाय जौहरी को सौभाग्य मिला। आज रामलीला में उत्तर भारत की प्राचीन रामलीला आगरा में रामलीला मैदान में हो रही है। आज प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और बहुत हर्षोल्लास के साथ राजा दशरथ जी, माता कौशल्या जी और चारों भाई बड़े शोभायमान हर्षोल्लास के साथ पूरा आगरा शहर उनका जन्म का उत्सव मना रहा है। और बहुत आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरे आगरा शहर के वासी और उत्तर प्रदेश में आपके चैनल के माध्यम से राम जी के जन्म का उत्सव आपने देखा होगा कि खिलौने वितरण करे गए, टॉफियां बांटी गई, मिठाइयां बांटी गई और बहुत हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम का जन्म का उत्सव हुआ और भगवान की श्री राम जी की आरती करी गई। और आज आगरा शहर पूरा राम में हो गया है। आज आगरा शहर की उत्तर भारत की सबसे बड़ी रामलीला कमेटी के द्वारा इस कार्यक्रम में राम जी का जन्म हुआ है। आज इस पूरे शहर में रामलीला का आज से मैं कहूँगा उत्थान शुरू होगा। कल से रामलीला चरम पर होगी और इस शहर को भक्ति भाव के अंदर आनंद में महसूस करेगी। आज मैं रामलीला कमेटी का वरिष्ठ संरक्षक संदीप गुप्ता अभी समस्त शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि हमें अपने धर्म में अपने प्रति अपने राम के प्रति सजग रहते हुए इस रामलीला कमेटी के कंधे के से कंधा मिला के साथ चलना है और इस कार्यक्रम को रावण मारने तक सफल करना है। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के महामंत्री राजीव अग्रवाल, जगदीश बागला, ताराचंद, विजय प्रकाश गोयल आदि उपस्थित थे। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।